नाम अंशुमन त्रिपाठी है और कुछ पंक्तियाँ तो शुरू करता हूँ। अपने दो दोस्तों के लिए लिखी थी मैंने, बहुत खास है मेरी, कि अनुराग शुक्ला और गौरव तोमर नाम है। कि दरख्तों से आ रही जो आवाज़ है नई रोशनी के हम नहीं मोहताज हैं, अदब से जो रहोगे तो ठीक है बेअदब के जानलेवा अंदाज है। उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि चेहरे पे जो हंसी रहती है ज़माने से, हम आते हैं उसी घर के घराने से, और मासूमियत अंदाज नहीं खूबी है हमारी, तुम्हें रोका है किसने हमें आजमाने से। फेक न्यूज़ बहुत चल रही है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में। बहुत सारे लोग कुछ इस कॉन्फिडेंस में मॉफ फोटोज़ को, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके बोलते हैं। ऐसा लगता है कि वो और उनकी फैमिली की पूरी जनरेशन नेहरू के बेडरूम में ही बैठा करती थी, और वहीं से जहाँ जहाँ नेहरू जाते थे फॉलो करती थी। तो उन लोग के लिए कि झूठी खबरों को भी सच्चाई मिलने लगी है इस दौर में, चिल्लाकर सफाई मिलने लगी है, ये न्यूज़ एंकरों पे है कि झूठी खबरों को भी सच्चाई मिलने लगी है इस दौर में, चिल्लाकर सफाई मिलने लगी है, और देखो उलझ न जाना बहकती जुल्फों के दौर में, वफा की उम्मीद में वहाँ बेवफाई मिलने लगी है। और नौकरशाही की मुस्तैदी का आलम तो देखिए, नौकरशाही की मुस्तैदी का आलम तो देखिए, बेघरों को जून में रजाई मिलने लगी है। बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, कुछ लोग दुनियादारी लिखते हैं, समझदारी लिखते हैं, मोहब्बत लिखते हैं, वहम लिखते हैं, पर मैं भड़ास लिखता हूँ। भड़ास इस वजह से क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अपने दौर के अनछुए पहलुओं के बाशिंदा नहीं हो तो आप कुछ भी हो मगर जिंदा नहीं है। मंजर टाइटल है मेरा पोएट्री का। जमहूरियत एक शब्द है, उसका मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। नई दिल्ली में और साउथ दिल्ली में मिलती है, बाकी जगह नहीं। लखनऊ में आजकल बंद है। तो कि शुरू करता हूँ कि मेरे बातों के जब कुछ और मतलब निकाले जाएंगे, हम अपने मुल्क से तब निकाले जाएंगे, और जहरीले सांपों की तरह पल रहे तमाशबीन एक दिन ये भी अपने बिलों से निकाले जाएंगे। सियासत की बिसात पर खुद को वजीर मत समझना, तुम प्यादे हो पहले प्यादे निकाले जाएंगे। वो राज करेंगे तुम्हारी उम्मीदों के महल में, वो राज करेंगे तुम्हारी उम्मीदों के महल में, तुम्हारे ख्वाबों के तो बस जनाजे निकाले जाएंगे। तुम्हारे ख्वाबों के तो बस जनाजे निकाले जाएंगे, और खिड़कियों को बंद करके अब क्या हासिल करोगे, खिड़कियों को बंद करके अब क्या हासिल करोगे, तुम्हारे खोखले इरादों के शामियाने के दरवाजे निकाले जाएंगे। और अपनी मैयत के सामने का मंजर तो देखना, अपनी मैयत के सामने का मंजर तो देखना, बेखौफ जिंदा लाशों के काफिले निकाले जाएंगे, और महज दो पल के लिए तब आंखें खोलना, महज दो पल के लिए तब आंखें खोलना, जमहूरियत के बदन से कपड़े निकाले जाएंगे।